हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जो कर रहे हैं बच्चों, फ्रैक्शंस, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस यानी बच्चों, इसको हम भिन्न बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। काफी सारी चीजें हमने सीखी हैं यहाँ पे भिन्न के बारे में, तो बेसिक चीजें तो आप सबको आती हैं। अब बच्चों, हम क्वेश्चंस कर रहे थे एडिशन सब्ट्रैक्शन के, है ना। भिन्नों को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे थे हम? कोई भी दो फ्रैक्शन है, सबसे पहले हम ध्यान रखते थे जो डिनोमिनेटर है, जैसे 5/7 एंड 3/4। तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको पहले हम सेम बना रहे थे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर रहे थे, डिनोमिनेटर वही आता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, हर अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना है, उनके डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं। सेम कैसे करते हैं? भाई 5/7 है एंड 3/4 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4/4 से और इसको 7/7 से। ये आएगा 5 × 20, 7 × 28, ये आएगा 7 × 21 एंड 4 × 7 = 28। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर हो गए हैं सेम, 20/28 प्लस 21/28, और इन दोनों को ऐड हम अब इजीली कर सकते हैं। कैसे? डिनोमिनेटर तो 28 है, 20 प्लस 21 यहाँ पे कर देंगे और ये आ जाएगा कितना, 41/28, है ना। तो 5/7 और 3/4 का एडिशन 41/28 आ जाएगा। इस तरह से एडिशन हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको नोट डाउन करो। अगर कोई डाउट है आपको, प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। हैंड रेज करना है आपको और अपना क्वेश्चन पूछ लेना है, ताकि अगर ये चीज अच्छे से आ जाएगी तो ही आप आगे वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप सॉल्व कर पाएंगे। नोट डाउन करो इसको और यहाँ तक जो भी हमने किया है एक बार नजर मारो, रिवाइज करो उसको, ताकि आगे ये क्वेश्चन हम इजीली कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिख रही है। इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। भाई एक क्या है, एक वॉल है, दीवार है, ठीक है, उस पे जगह है, तो पूरी दीवार में से उसका 2/3 हिस्सा किसने पेंट किया, शुभम ने। फिर उसकी जो बहन है, सिस्टर माधवी, हेल्प एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस। तो देखिए दोनों ने मिलके कितना किया, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, ये आपको बताना है। दैट मीन्स शुभम है, उसने एक दीवार का 2/3 हिस्सा पेंट किया, जबकि उसकी सिस्टर माधवी ने उसकी हेल्प की और 1/3 हिस्सा उसने भी पेंट कर दिया दीवार का। अब आपको बताना है दोनों ने मिलके कितना हिस्सा पेंट किया है। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको लिखना है कि शुभम ने कितना फ्रैक्शन, कितनी भिन्न पेंट की है दीवार की, और माधवी ने कितनी भिन्न पेंट की है दीवार की, और दोनों का देखिए, अगर हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर एक साथ में पूछा है, मतलब टोटल कितना उन्होंने पेंट किया है, कितना हिस्सा पेंट किया है, जहां पे टोटल आ जाए, कुल आ जाए, ठीक है, एक साथ मिलके। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों,
एडिशन, एडिशन मतलब योग करते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो दो फ्रैक्शन यहाँ पे दी गई हैं, जितना जितना हिस्सा इन दोनों ने पेंट किया है उसका करना है बच्चों हमें एडिशन, योग करना है। इतना मैंने आपको बता दिया है, अब आपको इनकी लैंग्वेज लिखनी है प्रॉपर। द फ्रैक्शन पेंटेड बाय शुभम इज इक्वल टू 2/3, इसी तरह माधवी ने कितना पेंट किया है एंड टोटल पेंटिंग बाय देम। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों और बताइए कि टोटल कितना काम किया है दोनों ने मिलके। तो स्टूडेंट्स, जो जो आपका आंसर आता है आप अपना आंसर शेयर करेंगे चैट के माध्यम से, ठीक है बच्चों। यहां पे साथ में सॉल्व करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं अब कि आपने भी ऐसे ही किया था या कुछ अलग तरीका था आपका। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय शुभम, कितना किया है उसने पेंट 2/3 पोर्शन किया है। तो शुभम ने जो भिन्न दीवार की पेंट की है, ठीक है, दीवार की भिन्न शुभम द्वारा पेंट की गई कितनी है 2/3। इसी तरह फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय माधवी माधवी ने कितनी पेंट की है भाई 1/3। अब हमें निकालना है दोनों ने एक साथ मिलके कितनी पेंट की है टुगेदर। तो यहां पे लिखेंगे टोटल पेंटिंग बाय बोथ या फिर शुभम एंड माधवी, कितनी की गई है भाई 2/3 तो शुभम ने की है और प्लस कर देंगे 1/3 जो कि माधवी ने की है। अब इन दोनों को ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है 2+1, ये हो जाएगा 3/3, कैंसिल आउट हो सकता है, ये आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों ने पूरा कंप्लीट काम कर दिया है, काम पूरा किया है उन्होंने। दैट मीन्स भाई जो दीवार थी वो टोटल पेंट हो गई है, पूरी की पूरी पेंट हो गई है, क्योंकि तीन हिस्से थे दीवार के और तीनों हिस्से दोनों ने मिलके पेंट कर दिए। दो पार्ट, दो पोर्शन जो कि शुभम ने किए हैं और एक पोर्शन माधवी ने किया है, तो इसी तरह से तीनों पोर्शन दीवार के हो गए हैं पेंट। अब आप बोल सकते हैं, देखिए जिस तरह से अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो मान लीजिए ये है दीवार, ठीक है, और इसके हैं हमारे पास तीन हिस्से, ये हैं तीन हिस्से। तो यहां पे शुभम ने किए हैं ये हिस्से और ये हिस्सा शुभम ने कर दिया पेंट, और ये किया है माधवी ने। भाई तीनों हिस्से पेंट हो गए मतलब पूरी दीवार पेंट हो गई है, कोई खाली नहीं बचा है। तो इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं इस चीज को। यहां पे आप लिखेंगे क्या आंसर में, टोटल या फिर आप लिखेंगे कंप्लीट वॉल is painted by them, उन्होंने complete wall paint कर दी है शुभम और माधवी ने मिलके। ये question यहाँ पे आपका complete होता है। देखिए कि पूरी मैंने line by line यहाँ पे जो given है वो लिखा है, उसके बाद line by line जो solve किया है और answer आया है properly इस तरह लिखेंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक छोड़ दी या फिर direct आपने 2/3 + 1/3 करके सिर्फ इतना portion किया तो उसमें आपको पूरे marks नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपको ये सब भी लिखना पड़ेगा students, अगर आपके पास word problems आते हैं तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, नोट डाउन कीजिए ये क्वेश्चन
आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नोट डाउन कर लिया बच्चों सबने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ बॉक्स दिख रहे हैं भाई। पार्ट ए है, जैसे यहां पे 7/10 है माइनस, इसमें से कुछ घटाया गया है, मुझे नहीं पता क्या घटाया है, लेकिन आंसर आया है आपका 3/10। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आपने अगर नंबर्स के साथ याद करें तो किया भी है। अगर मैं बोलूं कि 3+, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है, और आंसर आया है आपका 7, तो कितना होना चाहिए इस बॉक्स की जगह, तो क्या बोलेंगे आप भाई? 3 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए? तो देखिए, 3 में अगर 1, 2, 3, 4, 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा। कैसे पता लगा? मान लीजिए इसको हम कुछ भी x मान लेते हैं, ये जो हमें निकालना है बॉक्स में जो संख्या निकालनी है इसको x मान लेते हैं, और ये है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई ये एक इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गया, और हमें इसको हल करना है, तो 3 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 7 में से 3 घटा के देखेंगे, x की वैल्यू आई है 4। तो इस तरह कर सकते हैं, एक तरीका ये है, या फिर आप डायरेक्टली भी पता लगा सकते हैं कि भाई 3 में कितना जोड़ने पे 7 आता है, सीधे सीधे पता लगता है। तो अब इसी तरह से अगर मैं बोलूं 5 में से मैंने कुछ घटाया है और आंसर आया है आपका 3, तो 5 में से कितना घटाने पे आंसर 3 आएगा? तो सोचिए बच्चों कि 5 में से कोई नंबर घटा है और उसके बाद आंसर 3 आया है, मतलब कोई बड़ा नंबर तो होगा नहीं 5 में से, भाई कम ही घटाएंगे तभी तो 3 आ पाएगा, तो 5 से छोटा नंबर होगा। अब 5 में से 1 घटा दिया तो कितना आ जाता है? 5-1 होता है 4। 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाता है? 3। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, है ना? तो ये सीधा सीधा भी हमें पता लग सकता है कि 5 में से 2 घटाने पे 3 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7/10 है, 7/10 है, और यहाँ पे मुझे नहीं पता कितना है, ये 3/10 आएगा। तो ये क्या आएगा, ये आपको बताना है, यहाँ पे क्या चीज आएगी। अब एक चीज ध्यान रखिए कि भाई डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे 10 ही है, यहाँ भी 10 है, मतलब जो आंसर आया है उसमें हर 10 है। दैट मीन्स जो हमें ये निकालना पड़ेगा इस बॉक्स के अंदर जो भी फ्रैक्शन जो भी भिन्न होगा उसका डिनोमिनेटर भी 10 होना चाहिए, तभी तो डिनोमिनेटर सेम आता है आंसर में। ये चीज मैंने बताई थी स्टूडेंट्स, अगर दोनों का हर सेम है वही हर आएगा आंसर में, तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर यहाँ पे है सेम, डिनोमिनेटर है 10। अब 7 में से कुछ माइनस कीजिए और आंसर कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 3। आंसर कितना आ जाना चाहिए? 3। तो 7 में से कितना घटाएंगे कि 3 आ जाएगा, तो सीधा सीधा पता लग जाता है हमें 7 में से 4 हमें घटाना है। कितना घटाना है? 4 घटाना है, तभी तो 3 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे बॉक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4/10, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, हमें पता लगा है आंसर से। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, पार्ट बी सी एंड डी आप सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट जो पार्ट ए है उसको नोट डाउन कीजिए, और यहाँ पे ये बाकी के पार्ट्स भी इसी तरह कुछ कुछ सॉल्व होंगे, तो नोट डाउन करके बाकी के पार्ट्स को कोशिश कीजिए और हल कीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, बाकी के पार्ट्स भी कुछ कुछ इस तरह से होंगे, ये भी आपको पता है।
तो देखिए एक तरीका ये है यहाँ पे पता लगाने का कि 7 में से हमने क्या घटाया कि आंसर आया आपका 3, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, वर्क तो हमें न्यूमरेटर पे करना है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इससे छोटा नंबर आएगा है ना, 7 से छोटा नंबर आएगा तभी इसमें से घटा के 3 आ सकता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 7 में से 3 घटा देंगे और ये जो आंसर आएगा यही इसका आंसर होगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बच्चों एक चीज और है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा। बी पार्ट देखिए, यहां पे पहले बॉक्स दे दिया और ये 3/21 है, इसमें आंसर 5/21 आएगा। अब क्या है, हमें पहला नंबर बताना है कि भाई किस चीज में से 3/21 घटाएं कि 5/21 आ जाए, तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि आंसर में भी डिनोमिनेटर 21 है। अब यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज में से 3 को घटाया तो आंसर आपका 5 आया है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये नंबर बड़ा होगा 3 से या छोटा होगा, ये मुझे बताइए कि भाई 3 से बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो हमारा आंसर 5 आ पाएगा, और बड़ा होगा दैट मीन्स 3 को और 5 को हम ऐड कर देंगे, 3 + 5 कितना आता है 8, दैट मीन्स 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा आंसर, और इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 8/21, दैट मीन्स 8/21 इसका आंसर होगा पार्ट बी का, ठीक है। तो इसी तरह से पार्ट सी है वो भी बिल्कुल देखिए बी और सी एक जैसे हैं, तो ये आप होमवर्क में करेंगे, क्लियर है, ये आप होमवर्क में करेंगे। पार्ट डी देखिए, यहाँ पे डी पोर्शन हम करते हैं, तो सबसे पहले बॉक्स है 5/27 ऐड करना है इसमें ताकि आंसर 12/27 आ जाए। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स, है ना, तो आपको पता लगाना है कि किस चीज में 5 जोड़ा है कि आंसर 12 आया है। तो कैसे पता लगाएंगे बच्चों, ये इसमें क्या किया है आपने भाई, कोई संख्या है जिसमें 5 जोड़ के दोनों को ऐड करके आंसर 12 आया है, तो अगर 12 में से 5 घटा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये भी आपका आंसर सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 7/27, तो 7/27 में 5/27 जोड़ेंगे तो 7 + 5 12 हो गया, तो 12/27 आंसर आ जाएगा आपका। इसको नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। यहाँ पे बच्चों जावेद के बारे में बताया गया है कि जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वॉज लेफ्ट इन द बास्केट, मतलब कोई बास्केट है उसमें टोटल कितने हैं ऑरेंज, ये आपको पता होना चाहिए भाई। किसी कोई भी टोटल चीज क्या होती है, टोटल होता है 1, टोटल कितना होता है 1 होता है। कैसे होता है स्टूडेंट्स ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए ये कोई चीज है, ठीक है, ये कोई चीज है, इसके कितने हिस्से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल हमने इसके 7 हिस्से कर दिए, ठीक है, 7 हिस्से कर दिए। अब मैं बोलूंगा कि ये टोटल चीज कितनी है, तो फ्रैक्शन में अगर बताना है तो जितने टोटल पार्ट्स हैं इसके, टोटल जितने हिस्से हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जितने पूछे गए हैं तो मान लीजिए कि कितने हिस्से इसके भरे हुए हैं, जो मैंने बीच में लाइन खींची है, मतलब ये हिस्से भरे हुए हैं, तो टोटल कितने हिस्से भरे हुए हैं, जितने हैं सब के सब भरे हुए हैं, मतलब न्यूमरेटर में भी 7 आ जाएगा, तो 7/7 मतलब जितना डिनोमिनेटर में होगा उतना ही न्यूमरेटर में आ जाए, मतलब पूरी चीज की बात कर रहे हैं, ये टोटल हो गया। 1 क्यों होता है, क्योंकि इसको कैंसल आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये आंसर 1 आ जाता है इसीलिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स कोई भी फ्रैक्शन अगर उसको टोटल की बात की जाए तो 1 ही होता है।
अब हमें पता लग गया कि भाई टोटल जो ओरेंजेस थे कितनी थी, उसकी फ्रैक्शन 1 थी, या फिर 7/7 बोल सकते हैं। और उसमें से, ठीक है, टोटल में से जावेद को कितना दिया गया था, 5/7। तो बचे कितने ये आपको बताना है भाई। जहां पे लेफ्ट आ जाए मतलब यहाँ पे माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, ये चीज आपको पता लग जानी चाहिए पढ़ते ही क्वेश्चन। भाई जहां माइनस करना है तो क्या करेंगे, जो टोटल हिस्सा है उसमें से जो जावेद को दिया गया है वो हिस्सा घटाएंगे, वो माइनस करेंगे, ये भी आपको पता लग गया है। तो इसको आप घर पे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है, नोट डाउन आप इनको अच्छे से कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम इतना ही करेंगे आज के सेशन में, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।